अस्सलामुअलैकुम साकिब टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे जानकर आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, फर्ज कीजिए कि आपका फॉर एग्जांपल कोई भी घर की अशिया चल रही है, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, आपका एलईडी टीवी हो गया, इस्त्री हो गई, पंखा हो गया, किसी तरह के भी कोई भी अशिया आपके घरों में चल रही हैं, अचानक बिजली तेज आती है, आपकी चीज़ें जल जाती है, अचानक बिजली लो आती है तो आपकी चीज़ें भी जल जाती हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मरहला ये हो चुका है, दूसरा मरहला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ हज़रात जो है बिजली के डिम होने से भी बहुत परेशान रहते हैं, बिजली कम है, फ्रिज नहीं चल रहा, बिजली कम है, पंखा गर्मी में हवा नहीं दे रहा, बिजली कम है, सही तरह से रोशनी नहीं आ रही, बिजली कम है, पानी की मोटर नहीं चल रही, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किलात है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टेबलाइजर जो आ चुका है, जी हाँ, स्टेबलाइजर ऐसा कि आपके होश उड़ा देने वाला स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर स्टेबलाइजर, बिजली के मीटर के बाद ही ये लगता है। जी हाँ, बिजली का मीटर जहाँ पर आपने लगाया हुआ है इसके बाद ये जो है आपका मीटर जो है स्टेबलाइजर जो है ये आपका लगेगा, बिजली के मीटर के फौरी बाद लगेगा। इससे पहले आपने कोई बल्ब वगैरह कोई भी नहीं चलाना, क्योंकि अगर इससे पहले स्टेबलाइजर से पहले आप किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो आपकी वो चीज़ ख़राब हो जाती है। ख़राब क्यों हो जाती है, बिजली अप डाउन जैसे ही होगी आपकी चीज़ें जल जाएंगी, आपको बिल्कुल भी इस हवाले से जो है अब टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि स्टेबलाइजर का आपने इस्तेमाल करना है। स्टेबलाइजर आप घर में लगवाएं, ये घर के लिए मुफीद है, कुछ हद तक जितने भी गाँव में घर हैं वो तीन तीन चार घरों में ये मुफीद है, लेकिन शहर में एसी का लोड होता है, इस वजह से एक घर के लिए जितने भी सिटीज़ में घर हैं उनके लिए एक ही आप लगवा लीजिए अपने घर में। आपको बिल्कुल भी बिजली के हवाले से, बिजली की कमी के हवाले से, बिजली की तेज़ी के हवाले से कोई झंझट नहीं होगी। फिर बिजली चाहे डबल फेस आती है, सिंगल फेस आती है, या फिर डिम आती है, तेज आती है, आपके पंखे 220 वोल्ट पर ही चलेंगे, चाहे बिजली कम है या फिर चाहे बिजली ज़्यादा है, बराबर तौर पर आपके पंखों को मिलेगी, आपकी तमाम घर की अशिया को बराबर बिजली मिलेगी, जिसकी वजह से नुकसानात से बचा जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी कीमत के हवाले से भी आपको बताते हैं, इसकी कीमत जो है बाज़ार से तरह तरह के रेट्स पर हैं, कुछ कंपनियां भी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं मुख्तलिफ प्राइस में आपको फ्राहम करती हैं, कोई कंपनियां 2000 में आपको फ्राहम करती हैं, कुछ कंपनियां 2500 में, कुछ कंपनियां 3000 में, कुछ कंपनियां 4000 में, कुछ कंपनियां जो है 5000 तक ये आपको फ्राहम करती हैं। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेड करता हूँ कि कौन सी कंपनी का आप लें। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बेस्ट जो रहेगा सैमसंग कंपनी का आपको बेस्ट रहेगा। अगर आपको सैमसंग कंपनी नहीं मिलती तो आप फिलिप्स का भी ले सकते हैं, जी हाँ फिलिप्स का भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा, आपके आपका शहर छोटा है, तो आप किसी और चीज़ का भी अच्छे ब्रांड का जो है ले सकते हैं। इसकी कीमत मैक्सिमम 5000 से कम ही आपको मिल जाएगी, 2000, 3000, 4000 के बीच जो सेंटर में है, बीच में आपको मिल जाएगी इतनी रेंज में। तो बहुत सारे दोस्तों का जहन में एक सवाल होगा कि आखिर इसे लगवाने पर बिजली का कोई बिल में असर पड़ेगा। जी हाँ, आपके बिजली के बिल पर बिल्कुल किसी भी हवाले से असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आपकी बिजली को बराबर करेगा, आपकी बिजली को ज़्यादा नहीं देगा। अगर आपकी बिजली पीछे से कम आ रही है तो उसको बराबर करके तकसीम करेगा आपके जितनी भी घर में अशिया चल रही हैं। इसमें मीटर के हवाले से इस पर बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप दिन हो रात हो ये लगातार आपके 24 घंटे जो है चलता रहेगा, महीनों चलता रहेगा, सालों चलता रहेगा। अगर इसकी वारंटी के बारे में अगर बात की जाए, इसकी वारंटी कितनी है, 10 साल वारंटी है इसकी। 10 साल के अंदर अगर ये ख़राब हो जाता है फ़र्ज़ कीजिए, तो आप इसे रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे बचने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मीटर लगवाना है, जी हाँ स्टेबलाइजर मीटर के पास लगवाना है। आपको बिल्कुल भी और किस्म के हवाले से किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट मार्केट में जाना है, बाय करना है और अपने घर पर लगाना है। इससे किसके बाद जो है आपकी तमाम की तमाम अशिया महफूज रहेंगी। चाहे बहुत सारे ज़्यादातर ये मसला इशू तब होता है जब ट्रांसफार्मर में PMT जिसे कहा जाता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत मसला क्रिएट होता है। इसकी वजह से आपकी तमाम घर की अशिया जल कर राख हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी उसलाफ़ज़ाई के लिए अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।